लोकसभा चुनाव 2024 की लंबी चौड़ी प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई और मोदी जी की तीसरी कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को शपथ समारोह भी समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एनडीए की सरकार बनने से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब फोकस में आए हैं। बाजार ने आज भी रिकॉर्ड हाई लगाया, 23,700 के पार निकल गया निफ्टी। वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो 7 दिनों में निवेशकों को छप्पर फार कमाई करके दिया है। कौन से है वो स्टॉक्स, कैसा है उनका परफॉर्मेंस, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे बिस्तर और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए को बहुमत मिला। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में विफल रही, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। ऐसे में एनडीए की सरकार बनाने में सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू का बड़ा हाथ है। ऐसे में शेयर बाजार में आंध्रा थीम वाली कंपनियों में जमकर खरीदारी चल रही है। सारे स्टॉक्स आपको बता देंगे। सबसे पहले फोकस में आया हेरिटेज फूड। 4 जून को यह स्टॉक 455 के लेवल पर कारोबार कर रहा था और बंद हुआ, और आज यानी सोमवार के सत्र में ये 7.5% तेजी के साथ 705 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। सिर्फ 6 दिन में ही ये 70% चढ़ चुका है। मात्र 12 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक डबल हो गया है। सोमवार के सत्र में 7% बढ़त के साथ 704 के लेवल पर कामकाज करता दिखा। एक सप्ताह में 70% तेज हुआ है और एक महीने में इसने 104% का जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। एक साल में ये 233% से ज्यादा का इसने शानदार रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में भी इसमें और तेजी आ सकती है। दूसरा स्टॉक कौन सा है, तो दूसरा स्टॉक है अमराजा बैटरीज। इसके स्टॉक में भी गजब की तेजी आई है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में इसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गाला जयादेव टीडीपी के पूर्व पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर हैं और इस बार उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में खरीदारी बढ़ी है। आज के सत्र में ये 1404.20 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। 3 दिन में इसने 40% का रिटर्न दिया है। इस साल में अब तक इसने 70% से ज्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और एक साल में ये 124% से ज्यादा दौड़ा है। तीसरा स्टॉक है KCP लिमिटेड, इसका भी नाम आ रहा है। इस स्टॉक में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। ये स्टॉक अपने 52-week हाई के आसपास है। सोमवार के सत्र में स्टॉक 1% चढ़कर 251.45 के स्तर पर बंद हुआ। 5 दिन में ही ये 45.22% चढ़ा है। 6 महीने में इसने 74% से ज्यादा, लगभग 75% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और एक साल में इसने 136% से ज्यादा तक ये जो स्टॉक है भागा है। चौथा स्टॉक कौन सा है, चौथा स्टॉक है आंध्र सीमेंट्स। ये स्टॉक आज के सत्र में 14%, लगभग 15% की गजब की तेजी दिखाई इसने और ये 96.41 के लेवल पर बंद हुआ है। 5 दिन में इसने लगभग 15% की तेजी आई है इसमें और ये एक साल में मात्र 5% ही इसने रिटर्न दिया है। तो आप ये देखिए कि मात्र 5 दिनों में इसमें गजब की तेजी देखने को मिली हमें स्टॉक में। तो ये कुछ स्टॉक्स थे आंध्र थीम वाले जो फोकस में आए हैं, जिसमें खरीदारी देखने को मिली है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे भी इसमें ये तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको जानकारी कैसे लगी कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।